नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के दौरे पर थे, जहां अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरते ही लगातार अकाली दल के नेताओं ने, अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने उनको काले झंडे दिखाए हैं और विरोध किया है। लगातार वो कहते रहे कि केजरीवाल वापस जाओ, केजरीवाल वापस जाओ के नारे पूरे जोर शोर से लगाते रहे। वहीं अमृतसर में यह भी देखने को मिला कि किसान लोगों ने भी, जो किसान लगातार दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने भी केजरीवाल का विरोध किया है, केजरीवाल वापस जाओ के नारे लगाए हैं। क्योंकि अब सरगर्मी पंजाब में इसलिए बढ़ गई है कि 2022 में विधानसभा चुनाव है, जिसके मद्देनजर केजरीवाल वहां अपनी पैठ बनाने के लिए, अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि अब सरगर्मी और बढ़ेगी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। 2022 में पंजाब विधानसभा के चुनाव हैं, जिसके मद्देनज़र आम आदमी पार्टी पूरा जोर लगा रही है। सोमवार को पंजाब के अमृतसर पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके संरक्षक अरविंद केजरीवाल का जमकर विरोध हुआ। अमृतसर पहुंचने पर अरविंद केजरीवाल का अकाली दल ने विरोध किया, काले झंडे दिखाए और केजरीवाल वापस जाओ के नारे पूरे जोर शोर से लगाए। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। बेअदबी गोलीकांड में जांच करने वाले एसआईटी के प्रमुख रहे पूर्व आईजी कुंवर विजय प्रताप आम आदमी पार्टी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आज अमृतसर पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में उन्हें पार्टी में शामिल करवाया जाएगा। पंजाब की सियासत में यह बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। पूर्व आईजी कुंवर विजय प्रताप 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। कुंवर विजय प्रताप सिंह कोटकपुरा गोलीकांड मामले में जांच कर रही विशेष जांच टीम के वरिष्ठ सदस्य थे। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एसआईटी की जांच रिपोर्ट को खारिज कर नई एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद कुंवर विजय प्रताप ने 12 अप्रैल को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन किया था, जिसके पहले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उसे खारिज कर दिया था, जिसके बाद में इसे स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। तब से ही कुंवर विजय प्रताप सिंह के राजनीति में आने की चर्चाएं खूब हो रही थीं। क्योंकि अब चुनाव के समय कम बचा है, इसलिए इन चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है।